हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे मिलना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों के पैसे अभी नहीं मिले हैं। उनके बहुत सारे जो कि फॉर्म जो ऑनलाइन करना था वो रिजेक्ट भी हो गए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न रहा है आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी के चेयरमैन जो कि माने जाने उद्योगपति सुब्रत रॉय का जो कि डेथ हो जाती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा, इसमें आपने बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी प्राप्त कर लिए हैं, बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। फॉर्म रिजेक्ट होने का पीछे अगर रीज़न की बात की जाए तो उनका डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया था तो वो डॉक्यूमेंट में आपके कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है जिसकी वजह से जो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। ये सहारा पोर्टल की तरफ से 45 दिन का टाइम मांगा जा रहा है जिसमें आपको आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको 10,000 की पहली किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जा रही है। अगर आपका कई बार रिजेक्ट हो गया है, कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमने 2 बार अपडेट किया लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, सहारा रिफंड पोर्टल पे आप जाके जो कि उनका एक हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उससे आप पता कर सकते हैं कि सर हमारा क्या रीज़न रहा है, किसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहा है, और रिजेक्ट हो रहा है तो हम और कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा मिल जाए। अब अगर इसके अलावा भी आप जानना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पे जाके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ फंसा है, कहाँ रिव्यू में है, सारा कुछ आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो पैसा है वो सरकार के पास है, आपको पैसे से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपको पैसे वापस कराए जाएंगे, सरकार दे भी रही है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि माने जाने उद्योगपति सुब्रत रॉय जिनकी डेथ 14 नवंबर 2023 को हो जाती है, बीते शाम को लगभग 10:30 बजे इनकी डेथ हो जाती है जो कि मुंबई के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे उनके ग्रुप की तरफ से यानी सहारा ग्रुप की तरफ से ये बताया जाता है इनके मृत्यु के इनके डेथ के पीछे का रीज़न कि हाइपरटेंशन की समस्या थी, साथ ही साथ डायबिटीज़ थी और डायबिटीज़ की वजह से होने के कारण इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, दिल का दौरा पड़ता है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो लोगों में डर और पैदा हो जाता है कि क्या अब हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैसा जो कि इनकी कंपनियां हैं उनके पास है, अगर वो मालिक नहीं है लेकिन पैसा तो उन्हीं कंपनियों के पास है क्योंकि कंपनियां अभी हैं, कंपनियां वर्किंग में हैं। तो जो 4 कंपनियां थी जिनसे जो कि सेबी ने इनसे पैसे लिए थे इनके प्रॉपर्टी को बेच करके, इनकी प्रॉपर्टी को नीलामी करके, तो 5,000 करोड़ रुपए जो सरकार के पास हैं वो आपको रिफंड कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इनके साथ इन्वेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने पैसा इनके साथ लगाया था, तो अभी पूरे लोगों को जो कि पूरा प्रॉपर पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये आगे तय किया जाएगा, लेकिन पैसा आपको मिल रहा है, बहुत सारे लोगों ने पैसे प्राप्त किए हैं, बहुत सारे लोगों को अभी मिलना है, बहुत सारे लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो आपको अपने फॉर्म के स्टेटस चेक करना है, साथ ही साथ आप अपने जो कि सहारा ग्रुप की तरफ टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उस पर आप अपना जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यानी सहारा रिफंड पोर्टल की, वहाँ पर आप जाके सरकारी जो कि पोर्टल है इस पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुब्रत रॉय के बारे में। इनका जन्म की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो कि बिहार से ही शुरू होती है और उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से गोरखपुर से, और गोरखपुर में ही ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ग्रुप की, और वहाँ से अब अगर देखा जाए तो एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया इन्होंने जो कि लोगों के जोड़ने की ताकत को जोड़ करके। कहा जाता है कि एक समय में इनके पास इतने एम्प्लॉय थे कि भारतीय रेलवे के बाद इनका दूसरा स्थान था जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों के साथ ये काम कर रहे थे। लोगों के साथ काम करने का इनका मेन रीज़न ये रहा कि गरीब लोगों के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ जोड़ने का काम किया था और इसी के सहारे इन्होंने बहुत सारा पैसा भी इकट्ठे किया, क्योंकि एक गरीब आदमी क्या चाहता है कि उसका भविष्य सही हो, उसके अच्छे से बच्चों की पढ़ाई हो सके, उनके शादी विवाह हो सके, इसीलिए अपनी कमाई के कुछ पैसे निकाल
50,000 बीघे, साथ ही साथ बहुत सारे देशों में इनके होटल्स हैं, बहुत सारे इनके एयरवेज हैं। अभी हालांकि इनकी एयरलाइंस वगैरह तो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि इनके ऊपर फ्रॉड का केस जो लग जाता है सेबी के द्वारा जांच के जब निगरानी में आती हैं, तो इनके ऊपर से लोगों का भरोसा टूट जाता है और इनमें इन्वेस्ट करना लोगों ने छोड़ दिया था। क्योंकि लोगों को जिस कदर पैसा फंसा था, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, इनके बहुत सारे एजेंट जो थे गांव-गांव में घूमकर लोगों के बीमा करते थे, तो बहुत सारी कंपनियों ने इन्हें शुरुआत की। अगर बात की जाए तो इन्होंने, आपने देखा होगा कि जो इंडिया टीम का स्पॉन्सरशिप इन्होंने किया था 2001 या 2003 से लेकर लगभग 2011 तक इन्हें सहारा की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था इंडिया टीम को। साथ ही आईपीएल की अगर बात की जाए, इन्होंने पुणे वॉरियर्स नाम की एक आईपीएल टीम भी बनाई थी, जो कि 2013 में आपको इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि फाइनेंशियल की वजह से इनको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से फार्मूला वन की बहुत सारी, फार्मूला वन की रेस में इन्होंने अपने स्पॉन्सरशिप किया था, एक टीम बनाई थी उसी को। यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों के पैसे जमा हैं, जिन लोगों के पैसे अभी फॉर्म रिजेक्ट की वजह से नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपने फॉर्म को, अपने आप को, डॉक्यूमेंट को तैयार करना है और आपको सिर्फ यही काम करना है कि आप जो कि सहारा की जो रिफंड पोर्टल का ऑनलाइन आपका जो वेबसाइट है उस पर जाके आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिस पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था कि सहारा रिफंड पोर्टल में आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ मैंने इसके पहले भी वीडियो बना रखा है, तो जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो जाते जाते यही कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सरकार के पास है, क्योंकि सरकार ने इनकी